आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। उत्तराखंड में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक जोरदार बारिश हो रही है। देहरादून में बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। शहर में जगह जगह जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी हफ्ते भर तक मौसम का मिजाज ऐसे ही रहने वाला है। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, लिहाजा मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार लगातार पिछले कई घंटों से राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और ये दौर लगातार एक हफ्ते तक यूं ही बना रहेगा। अभी की अगर मैं तस्वीरों की बात करूँ तो राजधानी देहरादून से तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर की लगातार भारी बारिश जारी है और इसके अलावा इस बारिश का असर कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा पर भी पड़ गया है। और इस वक्त जो चारधाम यात्रा में लगातार हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु डेली आ रहे थे उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ गया है और श्रद्धालुओं की तादाद में काफी कमी आने लगी है। इसके साथ ही प्रदेश के जो कई ऐसे मार्ग हैं जो कि भारी बारिश के चलते अवरुद्ध हो चुके हैं और लगातार हाईवे पर भी भूस्खलन होने से कई घंटों का जाम लग रहा है। तो ऐसे में मौसम विभाग की ओर से साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि ये इसी तरह की ये बारिश लगातार कुछ दिनों तक इसी प्रकार जारी रहेगी और इस बारिश के मौसम में यात्रियों को भी साफ तौर पर कहा गया है कि वो सुरक्षित स्थानों तक पहुंचे और ज्यादा भारी बारिश में यात्रा का जोखिम न उठाएं। संदीप नेगी, सारा समय देहरादून। पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी पहुंचे सैलानी बारिश के चलते होटलों में ही कैद होकर रह गए हैं, लेकिन कुछ पर्यटक मॉल रोड पर बारिश का आनंद लेते दिखे हैं। बारिश से मसूरी के नाले उफान पर हैं। बारिश के कारण मसूरी में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। और देहरादून से हमारे संवाददाता संदीप नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, भारी बारिश के चलते कह सकते हैं कि पर्यटक मसूरी पहुंच रहे हैं और मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं, लेकिन थोड़ी परेशानियों का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। संदीप जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि उत्तराखंड में जो मानसून की जो दस्तक है वो मानसून आ गया है, तभी दस्तक मानसून ने दे दी है और इसके चलते लगभग जो पूरे उत्तराखंड में इस वक्त भारी बारिश लगातार जारी है। कई जगहों पर बहुत ज्यादा से ज्यादा वहां पर बारिश हो रही है। इसके अलावा अगर देहरादून मसूरी की बात करें तो पिछले तकरीबन 4 घंटों से लगातार भारी बारिश का दौर यहाँ पर जारी है। मसूरी की अगर बात करें तो मसूरी में काफी जगहों पर जो पानी भर गया है, जिससे कि काफी लोगों को दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही जो आवागमन में भी कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि सैलानी जो है वो अक्सर मसूरी का ज्यादा रुख करते हैं, तो इसकी वजह से वहां पर काफी दिक्कतें वहां पर आने लगी है। क्योंकि बारिश लगातार जारी है और मौसम विभाग का सीधे तौर पर अलर्ट है कि आने वाले कुछ घंटों तक इसी प्रकार की जो भारी बारिश का दौर है वो लगातार जारी रहेगा। दूसरी तरफ अगर देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में जो रायपुर जगह के लिए 2 घंटे का भारी से भारी अलर्ट वहां पर कर दिया गया है। वहां पर बादल फटे जैसी घटना का वहां पर अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है। तो ऐसे में अभी तक जो देखा जा रहा है देहरादून में कई जगहों पर जल भराव की बहुत ज्यादा समस्या आ गई है और चूंकि रायपुर में भी जो नदी नाले थे वो काफी उफान पर वहां पर आ चुके हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने साफ तौर पर हिदायत दी है कि ज्यादा से ज्यादा जो संख्या है वो जरूरी काम हो तभी जाके बाहर निकले या और इसके अलावा अपने घरों में रहें। इसके अलावा अगर चारधाम यात्रा रूटों की अगर बात करें तो काफी जगहों पर भूस्खलन आने से चारधाम यात्रा पर असर पड़ा है। कई घंटों का जाम वहां पर लग रहा है, क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे है जो कि लामबगड़ जो जगह है वहां पर कई घंटे का जाम है वो वहां पर लगा रहा। इसके अलावा अगर बात करें तो सीधे तौर पर मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सरकार ने भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ साथ जो स्थानीय प्रशासन है उसको भी पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है कि कहीं पर भी अगर किसी प्रकार की घटना हो तो तुरंत वहां पर रेस्क्यू कार्य किया जा सके। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो अभी भी जो बारिश है वो लगातार जारी है और कितने घंटों तक ये जारी रहेगी ये जरूर देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट एक लंबा किया है। जी बिल्कुल, देखिए पर्यटक मौसम का लुत्फ जरूर उठा रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से जैसे मौसम विभाग ने ये ऐलान कर दिया है कि एक हफ्ते तक ये बारिश रहेगी तो पर्यटकों को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका जानकारी कुशल।